अभी हम निश्चयक मान ज्ञात करना सीखेंगे। निश्चयक मान में ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में गिनतियाँ दी गई हैं, 3, 2, 4, 5। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसके साथ, ऋण इसका गुणा इसके साथ, तो 3 × 5, 3 × 5 ऋण 2 × 4, 3 × 5 3×15 ऋण 2×8। अब 15 में से 8 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। इसी तरह जैसे ये है ऐसे ये भी है, ऋण 1 × 4, ऋण 7 × 2, तो ऋण 1 × 4 1×4, ऋण 2×7 14। अब ये दोनों ऋण है, दोनों ऋण है तो जुड़ जाएंगे, 14×4 18 चिन्ह रहेगा ऋण का। इसी प्रकार सब है, 5, 7, 3, 0, तो 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 3 का गुणा ऋण 7 के साथ, 5×0 ऋण 3×7, तो ये 0 का जब गुणा किसी संख्या में होता है तो 0 हो जाता है, ऋण 1×ऋण = 3 आ गया, 3×7 = 21। अब 21 में 0 जोड़ेंगे मतलब 21 ही आएगा, 21। इसी तरह से ये भी बटे वाला है, 7/3, 5/3, 3/2, 1/2, तो इसका गुणा जो है इसके साथ करेंगे, 7/3 × 1/2, 7/3 × 1/2 ऋण 5/3 × 3/2, तो अंश का अंश के साथ, 7 × 7 = हर का हर के साथ, 2×6 ऋण 5×15 2×6, चूंकि अभी दोनों का हर समान है, कैसे कर दे, दोनों का हर जो है समान है इसलिए अंश में से अंश को जोड़ घटाएंगे, 7 × 15 7×15 = 6, 6 क्योंकि दोनों का हर समान है, तो 7 में से 15 नहीं घटेगा तो 15 में से 7 पे घटाएंगे, तो चिन्ह रहेगा बड़ी वाली संख्या का, बड़ी वाली संख्या ऋण 15 है, ऋण 8/6, तो इसको कटाएंगे, 2×6 2×8, अब ये नहीं कटेगा, ऋण 4/3 होता है। इस तरह से निश्चय मान गया, युगपत समीकरण हल करने के लिए एक दूसरी विधि है केमर विधि से हल करेंगे। जैसे समीकरण दिया है युगपत समीकरण, 3x + 4y = 10, 4x + 3y = 5, समीकरण नंबर 2। इसमें जो है हम समीकरण को हल करने के लिए डी और dx और dy ये तीन चीज ज्ञात करेंगे, तो डी ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरणों को, पहला समीकरण और दूसरे समीकरण के x का गुणांक लिख लेंगे, फिर y का गुणांक चिन्ह के साथ 4, 3। अब इसका जो है निश्चयक मान ज्ञात, इसका गुणा इसके साथ, 3×3 ऋण, ऋण ये ऋण 4 है, ऋण 4×4, 3×3 = 9, ऋण × ऋण = 3, 4×16, 16×9 = 25, डी का मान आ गया 25, डी एक्स ज्ञात करते समय यक्स के गुणांक के स्थान पर सी का गुणांक लेते हैं, C1 और C2 है ये, 10 और 5 को यक्स के गुणांक के स्थान पर लेंगे, जैसे यहाँ यक्स का गुणांक ये है उसी जगह पर 10 और 5 ये सी का गुणांक देंगे, C1 C2। इसके बाद वाई का गुणांक ज्यों का त्यों रहेगा सेम, अब उसी तरह से जैसे निश्चय मान ज्ञात करेंगे, 10 का गुणा 3 के साथ, 3 गुणा
दस गुणे तीन ऋण चार गुणे तीन, इसको हम ऋण पांच गुणे ऋण चार भी कर सकते, वही उत्तर आएगा। चार पच्चीस बीस पांच चौकी विचार जैसे करें तो दस या तीस ऋण गुणे ऋण प्रावधान चार पच्चीस बीस, तीस और बीस कितना हो पचास, बीस बीस पचास। अब डी वाई ज्ञात करने के लिए ए वाई के गुणांक के स्थान पर इसकी जगह क्या करेंगे, सी का गुणांक लिख देंगे और ये जब कथन हो जाएगा। देखो तीन चार, अभी चार तीन की जगह पर दस पांच, तिरक गुणा तीन का गुणा पांच के साथ, फिर दस का गुणा चार के साथ, तीन पचे पंद्रह ऋण। अब यहां देखो ऋण दोनों धन है, चिन्ह सूत्र में आता है ये, दस गुणे तीन, दस जो चालीस, पंद्रह में से चालीस नहीं घटेगा तो चालीस में से पंद्रह को घटाएंगे, ऋण पच्चीस। अब हो गया डी वाई का। अब यक्स का मान निकालने के लिए सूत्र है डी यक्स बटे डी, तो डी यक्स का मान कितना आया है पचास, बटे डी का मान कितना है पच्चीस, पचास बटे पच्चीस, पच्चीस एकम पच्चीस, पच्चीस गुना पचास, यक्स बराबर दो। इसी तरह से वाई का मान निकालने के लिए डी वाई बटे डी, डी वाई कितना आया है ऋण पच्चीस, ऋण पच्चीस बटे डी पच्चीस, पच्चीस एकम पच्चीस, ऋण आ गया, ऋण रह गया, तो वाई बराबर ऋण एक उत्तर। अब समीकरण का हल समीकरण का हल एक्स वाई अगर तो सर इसमें भी कह दे क्या, इसमें बता दे चले ना बताऊं। दूसरा समीकरण है चार एक्स ऋण तीन वाई ऋण चार बराबर जीरो, ये जो है युगपत समीकरण के रूप में नहीं है, इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में करेंगे, तो चार को उधर ले जाएंगे, चार एक्स धन तीन वाई बराबर चार, समीकरण नंबर एक। इसी तरह से छह एक्स बराबर आठ ऋण पांच वाई, अब इन पांच वाई को हम इधर लाएंगे एक्स के पास, इधर ऋण है यहाँ पे धन हो जाएगा, छह एक्स धन पांच वाई बराबर आठ, समीकरण नंबर दो। अब हमारा एक पहले समीकरण की तरह बन गया डी डी एक्स डी वाई, ये तीनों ज्ञात करेंगे तब हम समीकरण का उत्तर पाएंगे। अब डी ज्ञात करने के लिए समीकरण एक और दो दोनों की एक्स वाई का गुणांक ऊर्ध्वाधर लिखेंगे, जैसे यहां चार है पहले समीकरण का एक्स गुणांक, दूसरे में छह है तो चार छह, वाई का गुणांक तीन है यहां, वाई का गुणांक पांच है, तीन पांच। अब इसका निश्चयक मान ज्ञात करेंगे चार गुणे पांच, चार पच्चीस बीस, ऋण तीन छह अठारह, तीन गुणे छह तो बीस में से अठारह गए दो, डी का मान दो आ गया डी एक्स। अब डी एक्स ज्ञात करने के लिए यक्स का गुणांक जो लिखो वहां पर सी का गुणांक लिखेंगे, सी वन है सी टू है, चार आठ, चार आठ, और ये वाई का गुणांक जमकर क्या है, फिर उसी तरह से निश्चयक मान ज्ञात करेंगे चार का गुणा पांच के साथ, चार गुणा पांच ऋण तीन गुणे आठ, चार पच्चीस बीस, तीन अठे चौबीस, बीस में से चौबीस नहीं घटेगा तो चौबीस में से बीस को घटाएंगे, ऋण चार, डी एक्स का मान ऋण चार आया। अब डी वाई, डी वाई लिखते समय वाई के गुणांक के स्थान पर ए वाई का गुणांक है, इसकी जगह पर सी का गुणांक देंगे, सी का गुणांक क्या होगा चार और आठ, चार आठ, और एक्स का जैसे के तैसे रहेगा। अब चार गुणे आठ ऋण चार गुणे छह, आठ सौ बत्तीस ऋण छह चौबीस चौबीस, बत्तीस में से चौबीस गए आठ, आठ आया डी वाई का मान। अब सूत्र में मान रखते हैं एक्स बराबर डी एक्स बटे डी,
बराबर डी एक्स का मान है रीड चार, बच्चे डी का मान दो, दो एक कम दो, दो दूनी चार, रीड दो आ गया एक्स का मान, एक्स बराबर रीड, वाई बराबर डी वाई बटे डी, डी वाई का मान रीड आठ वाली आठ बटे दो, डी का मान दो चौ आठ, वाई बराबर चार। समीकरण का हल, समीकरण का दो का तीसरा यक्ष धन दो वाई बराबर ऋण, समीकरण नंबर एक, दो यक्ष ऋण तीन वाई बराबर बारह, समीकरण नंबर दो। इसे हल करना केमर विधि से, इसको हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन जिस विधि से पूछे उसी विधि से लगाना पड़ेगा हमको। तो केमर विधि से लगाने के लिए पहले हम डी, इसके बाद डी एक्स, फिर डी वाई, ये तीनों चीज ज्ञात हो जाएंगे तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो डी ज्ञात करने के लिए दोनों पहले समीकरण का एक्स का गुणांक, उसके नीचे दूसरे समीकरण का एक्स का गुणांक, फिर पहले समीकरण का वाई का गुणांक, दूसरे समीकरण के वाई का गुणांक चिन्ह के साथ इस तरह से लिख लिया। इसके बाद डी एक्स लिखते समय ये एक्स के गुणांक की जगह पर ये सी का गुणांक, सी वन सी टू ऋण एक ऋण वन, और वाई का गुणांक ज्यों का त्यों रहेगा तो ऋण तीन। डी वाई लिखते समय एक्स का गुणांक अपनी जगह रहेगा, वाई की जगह पर सी का गुणांक लिखा जाएगा ऋण एक बार। अब ये तीनों का हम निश्चयक मान ज्ञात करेंगे जो पीछे पड़ चुके हैं, इसका गुणा इसके साथ एक गुणे ऋण तीन, एक गुणे ऋण तीन, ऋण दो गुणे दो, धन गुणे ऋण बराबर ऋण तीन, ऋण रहेगा दो दूनी चार, ये दोनों जोड़ देंगे चिन्ह है ऋण का लेकिन जुड़ जाएंगे, चार धन ऋण तीन, ऋण चार ऋण तीन ऋण सात, यानी डी का मान ऋण सात आया। डी एक्स उसी तरह से डी एक्स याद करेंगे ऋण एक गुणे ऋण, चूंकि दोनों ऋण हैं इसलिए दोनों को क्वेश्चन किए ऋण एक गुणे ऋण तीन, ऋण दो गुणे बारह, ऋण गुणे बारह दोनों धन है दो गुणे बारह, ऋण गुणे ऋण बराबर धन एक यानी तीन, ऋण दो बड़े बारह गुना चौबीस, तीन में से चौबीस नहीं घटेगा तो चौबीस में से तीन को घटा देंगे चिन्ह रहेगा इसका ऋण इक्कीस, डी एक्स का मान ऋण इक्कीस। डी वाई, डी वाई लिखते समय यक्स का गुणांक ज्यों का त्यों रहेगा, वाई के गुणांक की जगह पर ये वाई का जो गुणांक है इसकी जगह पर किसका गुणांक लिख देंगे सी वन सी टू, सी वन सी टू ऋण एक बारह, इसका गुणा इसके साथ करेंगे एक गुणे बारह, एक गुणे बारह ऋण ऋण एक ऋण एक गुणे दो, एक बराबर बारह ऋण गुणे ऋण बराबर धन एक गुना दो, बारह गुण चौदह वाई का मान चौदह आ गया, एक्स बराबर डी एक्स बटे डी, डी एक्स का मान कितना है ऋण इक्कीस, ऋण इक्कीस बटे डी का मान कितना सात, ऋण सात। अभी देखो ये ऋण सात ऋण ऋण से कट जाएगा क्योंकि उद्धृत ऋण है सात तीन इक्कीस, एक्स बराबर तीन, एक्स का मान तीन आ गया, वाई बराबर डी वाई बटे डी, डी वाई कितना चौदह, चौदह बटे डी का मान कितना ऋण सात, तो सात एकम सात, सात दूनी चौदह, ये ऋण चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो ये ऋण रहेगा, ऋण दो वाई बराबर ऋण दो, वाई का मान ऋण दो। समीकरण का हल एक्स वाई, एक्स का मान तीन वाई का मान ऋण दो। चौथा समीकरण इसी तरह से है सिक्स एक्स माइनस चार वाई बराबर ऋण बारह, समीकरण नंबर एक,
तीन वाली बराबर डेढ़ दो समीकरण नंबर दो। अब ये दोनों ने केवल विधि सजग लिख दिया हूं, यक्ष के गुणा लिए और इसको यहां लिखेंगे डी छ आठ ऋण चार ऋण तीन, और डीएक्स का गुणांक लिखते समय यक्ष के गुणांक की जगह पर इसको लिख देंगे सी का गुणांक ऋण बारह ऋण दो, और वाई का गुणांक छह का त्यम है। डी वाई यक्ष का गुणांक छह का त्यम रहेगा, वाई के गुणांक की जगह पर सी का गुणांक ऋण बारह ऋण दो। अब डी डी एक्स डी वाई सम्मान हमारे हो गया। अब इसको हल करेंगे, निश्चय मान ज्ञात करेंगे, छह का गुणा तीन के साथ ऋण तीन के साथ छह गुणे ऋण तीन धन गुणे ऋण बराबर ऋण छत्री अठारह। अब ये ऋण गुणे ऋण बराबर धन, ये धन नहीं है तो चार अठे बत्तीस, धन बत्तीस हो गया, बत्तीस में से अठारह घटा देंगे आएगा कितना चौदह, बारह बारह में से आठ गई चार, यहाँ पर दो दो में से एक गए। इस तरह से बोला ऋण बारह गुणे ऋण तीन, चूंकि दोनों ऋण हैं इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे ऋण दो गुणे ऋण तीन। ऋण सूत्र के अनुसार ऋण होता है ऋण ऋण चार गुणे ऋण दो ऋण चार गुणे ऋण दो। अब यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऋण गुणे ऋण बराबर धन भारत यही छत्तीस। अब ये ऋण गुणे ऋण बराबर धन हो गया, फिर धन गुणे ऋण बराबर ऋण, तो ऋण गुणे ऋण बराबर धन और धन गुणे ऋण बराबर ऋण चार दिन आठ। अब छत्तीस में से आठ को हटा देंगे तो अट्ठाईस आ गया है ना, डी एक्स का मान अट्ठाईस, डी वाई छ गुणे ऋण दो धन गुणे ऋण बराबर ऋण छ दूनी बारह, ऋण ऋण बारह गुणे आठ बारह अठे छानवे, ऋण गुणे ऋण बराबर धन विधान अभिधान हो गया बारह अठे छानवे, ये धन ये ऋण इसमें से इसको घटा दें छ में से दो है चार नौ में से एक है आठ चौरासी आ गया। तो यक्ष बराबर डी एक्स बटे डी, डी एक्स कितना है अट्ठाईस बटे डी कितना है चौदह, चौदह दुना अट्ठाईस यक्ष बराबर वाई बराबर डी वाई बटे डी, डी वाई का मान चौरासी बटे डी का मान कितना है चौदह। अब इसे चाहे डायरेक्ट कटा करो तो चौदह छक्का करो या इसको दो से पहले कटाएंगे दो सात से कटाया हूँ सात दूनी चौदह सात एकम सात यहाँ एक बचा सात दूनी चौदह बारह हो गया दो एकम दो दो छह बारह वाई बराबर छ। समीकरण का हल यक्स वाई दो छह। पांचवा क्वेश्चन है दूसरे का पांचवा, चार यम धन छह यम बराबर चौवन समीकरण नंबर एक, तीन यम धन दो यम बराबर अट्ठाईस समीकरण नंबर दो। उसी तरह से केवल विधि डी, डी में यम और यन का गुणा, यम का गुणा चार तीन चार तीन और यन का गुणा छ दो छ, और डी एक्स बराबर यम की जगह पर सी का गुणा चौवन अट्ठाईस और वाई का गुणांक जो करते हुए वाई का गुणांक जो करते हुए रहेगा डी वाई बराबर। अब यक्स का गुणांक अपनी जगह रहेगा चार तीन और वाई की जगह पर सी का गुणांक आ जाएगा चौवन अट्ठाईस। अब इस तरह से हमने डी डी एक्स और डी वाई ज्ञात कर लिया, तो डी का निश्चयक मान चार गुणे दो ऋण छह गुणे तीन चार गुणी आठ ऋण छत्री अठारह, आठ में से अठारह नहीं घटेगा तो अठारह में से आठ को घटा देंगे ऋण दस। इसी तरह से भी हो जाएगा डी एक्स बराबर चौवन गुणे दो ऋण छह गुणे अट्ठाईस चौवन गुणे दो ऋण छह गुणे अट्ठाईस दो चौके आठ दो बचे दस छः अड़तालीस के आठ होते चार छः दून बारह बारह सोलह एक सौ अड़सठ, एक सौ अड़सठ में से एक सौ आठ में से एक सौ अड़सठ नहीं घटेगा तो एक सौ अड़सठ में से एक सौ आठ को घटाएंगे
चिन्ह रह गया बड़ी संख्या ऋण 60। तो डी वाई बराबर यक्स का गुणांक 4-3 और वाई की जगह पर सी का गुणांक 4×28 4×28 ऋण 54×3 चार अच्छे 32 की दो हथे लगा 3 चार दो 8 8 3 11 समीकरण का हल यक्स वाई छह इसे आवाज आ इक्वेशन नंबर छठवां दूसरे का छठवां समीकरण 2x + 3y = 2 समीकरण 1 दूसरा समीकरण दे दिया था बटे में x ऋण y बटे 2 बराबर 1/2 इसको क्या करेंगे इसका हर 2 है ये 2 का सभी पदों में गुणा कर देंगे इसमें 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 लिख दिया समीकरण 2 के सभी पदों में 2 का गुणा किया 2x आ गया इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 2 से कट जाएगा y ऋण y बचेगा यहाँ 2 2 से कट जाएगा 1 बचेगा तो समीकरण 2 को हम 3 बना दिया अब यहाँ लिखा 2x + 3y = 1 अब 1 और 3 के चरांकों को लिखेंगे डी बराबर यक्स और वाई का चरांक समीकरण 1 में यक्स का चरांक 2 समीकरण 2 में यक्स का चरांक 2 तो दोनों लिख लिया 2 और वाई का चरांक 3 दूसरे में वाई का चरांक ऋण यहाँ कुछ नहीं लिखा तो ऋण अब डी यक्स अब यक्स की जगह पर सी का गुणा 2 1 2 1 अब वाई का गुणा अपनी जगह जम का चल रहेगा 3 डी वाई यक्स का गुणांक जम करते हो वाई गुणांक वाई की गुणांक की जगह पर सी का गुणांक 2 1 अब ये तीनों हमें मिल गए डी यक्स अब इसका निश्चयक मान ज्ञात करेंगे इसका गुणा इसके साथ 2×ऋण 2 2×1=2 ऋण 3×2 3×6 क्योंकि दोनों ऋण है इससे जुड़ जाएंगे ऋण 6 ऋण 2 ऋण 2×2 2×ऋण 1 ऋण 3×1 धन×ऋण = ऋण 2×2 ऋण 2×3 अब ये दोनों ऋण है तो ऋण 5 हो जाएगा डी वाई बराबर 2×1 2×ऋण 2×2 2×2 ऋण 2×4 तो 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 4 में से 2 को घटा देंगे चिन्ह रहेगा इसका ऋण 2 यक्स बराबर डी यक्स बटे डी बराबर डी यक्स का मान ऋण 5 बटे डी का मान ऋण 8 तो दोनों ऋण हैं ये ऋण से ये ऋण कट जाए बचा 5/8 वाई बराबर डी वाई का मान है ऋण 2 और डी का मान ऋण 8 तो ऋण ऋण से कट जाएगा 2×2 2×8 1/4 वाई का मान 1/4 समीकरण का हल यक्स वाई 5/8 1/4 उत्तर की जांच करने के लिए एक समीकरण ले लेंगे जिस पहला 2x + 3y = 2 अब देखेंगे यक्स का मान कितना 5/8 2×5/8 3×1/4 = 2 तो 2×2 2×8 5/4 3×3/4 = 2 दोनों का हर समान है तो
तो अंक ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा, 5 × 3/4 = 2, 8/4 = 2, 2 = 2। दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है।